मध्य प्रदेश की विधानसभा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जवाब दे रहे थे, लेकिन कांग्रेस बहिर्गमन करते हुए बाहर आ गई। क्या विरोध है, आखिर बात कर लेते हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघारदी हैं, सर इतनी क्या नाराजगी हुई कि मुख्यमंत्री जवाब दे रहे हैं, आप लोग बाहर आकर भी? देखिए, बात मुख्यमंत्री जी का पूर्व भाषण सुना, राज्यपाल के अभिभाषण में हमने दिसंबर में भी और अभी जनवरी अपने फरवरी में सुन रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री प्रदेश की समस्याओं, प्रदेश के युवाओं को नौकरी मिले कैसे मिले उसकी बात नहीं करना चाहते, प्रदेश के किसानों को धान खरीदी के 3100 रुपये जो इनके संकल्प पत्र है वो नहीं मिले उसकी बात नहीं करना चाहते, प्रदेश के मुख्यमंत्री 2700 रुपये गेहूं की फसल खड़ी किसानों की उसकी बात नहीं करना चाहते, तो ऐसे मुख्यमंत्री की बात क्या सुन रहा आप? अधिक हम चर्चा करना चाहते, आप बात कीजिए प्रदेश के मुद्दों पर, क्यों नहीं करना चाहते हो? आप अगर मंदिर के पुजारी हो तो मंदिर में बैठो। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय जी ने तो एक बड़ा आरोप लगाया कि आप महापुरुषों को आप लोग ने, कांग्रेस ने लुटेरा कहा था। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, कैलाश विजयवर्गीय बड़े विद्वान हैं और संसदीय अपने अनुभव है, उनको पता है कि विधानसभा कैसे चलानी और कैसे किस मुद्दे पे खत्म करना, ताकि प्रदेश के मुद्दों पे ध्यान नहीं जाए। सर एक और इससे हटके कि राज्यसभा को लेकर काफी चर्चा है, सोनिया गांधी जी को मध्य प्रदेश से राज्यसभा भेजा जा सकता है, इस तरह की भी चर्चा है? स्वाभाविक है, अनुरोध किया है जीतू पटवारी जी और हमने, दोनों ने पत्र भी लिखा है कि अनुरोध किया है कि आप मध्य प्रदेश से सदस्य मनोनीत हो। वहाँ से क्या जवाब आया था? अब ये तो पार्टी हाईकमान तय करेगा। बिल्कुल, ये नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार हैं, जिनका कहना है कि मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह से चर्चा जो है वो सदन में की जा रही थी, और कैलाश विजयवर्गीय ने जिस तरह से झूठे आरोप लगाए हैं वो मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए है, और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जिस विषय पर चर्चा चल रही उस विषय पर ना करकर दूसरे विषयों पर लाकर जो है वो मध्य प्रदेश के विकास की बात नहीं कर रहे हैं। भोपाल से TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।